नमस्कार, मैं अतुल तापस, विजया लक्ष्मी क्रिएशंस नागपुर। मेरे साथ बैठे हैं मेरे पार्टनर श्री शिवराम राजू और एक अनुपस्थित है वो श्री राजेश भाई से। हमने नई मशीन लेने की सोचा था। ये सब समय में हमको ये जानकारी मिली प्रकाश ऑफसेट के बारे में, जो हमारे बजट में भी आ सकती थी और जो जो फैसिलिटीज़ हम लोगों को चाहिए थी वो सब उसमें मिल सकती थी। ये मशीन लाने के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही। इसी तरह हमने डस्ट कलेक्टर लिया। डस्ट कलेक्टर के वजह से हमारी प्लेटें जो जाती थी या फ्लब जमा होता था ब्लैंकेट्स के ऊपर वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए, उसके लिए हमने बेरर टू बेरर मशीन लिया, जिसके वजह से हमारे को काफ़ी अंतर महसूस हुआ। हमारी पुरानी मशीन की प्रिंटिंग क्वालिटी और ये मशीन की प्रिंटिंग क्वालिटी में हमें काफ़ी अच्छा फर्क मिला है। हम ये चाहेंगे कि इसके आगे की मशीन भी हम प्रकाश से ही लें, और इसके वजह से जो हम लास्ट ईयर 20,000 बुक्स पर डे करते थे या 30,000 पे जाते थे, हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल तो हो ही गया है। हम आज के तारीख में इस मशीन की वजह से ऑलमोस्ट 50,000 क्रॉस कर लिया है। हमने 50,000 बुक्स पर डे हमारा प्रोडक्शन आज के तारीख में विथ अ वेरी गुड क्वालिटी। कोई भी भूल नहीं सकता कि ये वेब ऑफसेट पे छपी हुई किताब है। हम प्रकाश के इस मशीन से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रकाश हमें आफ्टर सेल्स में भी मायूस नहीं होने देगा। थैंक्स टू प्रकाश फॉर एवरीथिंग। एक्चुअल ये यूनिट का टेक्निकली सब मैं देखता हूँ, इस वजह से मेरे को प्रकाश का मशीन तो काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी सब चीज़ें अतुल तापस जी ने बोला है जो टेक्निकली बताना चाहिए, इसलिए थैंक्स टू प्रकाश।